किराना दुकान में चल रहे ई सिगरेट बिक्री पर पुलिस ने छापा मारा है और इस कार्रवाई में 30,000 का माल जब्त कर आरोपी को हिरासत में लिया है। बजाज नगर परिसर में स्थित किराना दुकान में ई सिगरेट की बिक्री होने की जानकारी मिलने पर क्राइम ब्रांच की टीम ने छापा मारा। पुलिस ने तलाशी ली तो 30,000 रुपए की ई सिगरेट बरामद हुई। पुलिस ने नीलकमल सोसाइटी बजाज नगर निवासी राजकुमार ढोक को हिरासत में ले लिया। राजकुमार बजाज नगर चौक पर ही हरीश किराना स्टोर चलाता है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि किराना दुकान से प्रतिबंधित ई सिगरेट, पान मसाला और सुगंधित तंबाकू बेची जा रही है। खबर मिलते ही इंस्पेक्टर शुभांगी देशमुख, एपीआई गुप्ता, सब इंस्पेक्टर दीपक ठाकरे, हेड कांस्टेबल मनोज वासनिक, विनोद देशमुख, प्रदीप पवार, सुशील ने दुकान पर छापा मारा। विभिन्न फ्लेवर युक्त ई सिगरेट मिली, उसके खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रतिबंध कानून के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को बजाज नगर पुलिस के हवाले किया गया। दिनांक 17/5/2023 रोजी युनिट 1 च्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना गोपनीय माहिती मिळाली की बजाज नगर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमधील हरीश किराणा स्टोर मध्ये प्रतिबंधित ई सिगारेट विक्री केल्या जाते आहे। मिळालेल्या माहितीप्रमाणे पंचांसह खात्री करण्याकामी रेड कारवाई पूर्ण पथक गेलेलं होतं आणि तिथे कारवाई केली असता 29,000 रुपयाचा प्रतिबंधित ई सिगारेटचा माल मिळून आलेला आहे। त्यावर युनिट 1 पथकाने कार्यवाही करून आणि पोलीस स्टेशन बजाज नगर येथे गुन्हा दाखल केलेला आहे। किराणा दुकानदारावर यापूर्वीचे कुठलेही गुन्हे नाही आहेत आणि त्यांच्यावर ही पहिलीच कारवाई आहे। त्यांनी हा माल कुठून आणला याबाबत पुढील तपास चालू आहे। एनबीसी न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ माहिन पठान की रिपोर्ट।